आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर फिलहाल पूरे देश की नजर है। जिस मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अपने दावे कर रही हैं, जिस मजबूती के साथ पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशानेबाजी कर रहा है, 10 मार्च को वाकई देखना दिलचस्प होने वाला है कि यूपी की कमान किसके हाथ में जाने वाली है। फिलहाल अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, मायावती ने भी सोच विचार चिंतन मंथन के बाद ही प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। मायावती की टक्कर इस बार सिर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बख्शने के लिए वो तैयार नहीं है। यहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का हम जिक्र करना चाहेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में एक हो गए हैं। चाचा भतीजा के बीच जो साल 2017 में दूरियां आई थी वो खत्म हो चुकी हैं। इस बार चाचा भतीजा एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से, और ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा इन दोनों सीटों पर रहा है। तो मायावती ने जो चौथी लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी की है, उस लिस्ट में जसवंत नगर और करहल इन दोनों से दलित नेताओं को टिकट देकर अखिलेश और शिवपाल को कड़ी चुनौती दी है। क्या कहता है इन दोनों सीटों का गणित और किस तरह से मायावती ने शिवपाल और अखिलेश की जाति वाली राजनीति पर अपना दाव खेला है, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि करहल और जसवंत नगर में किस तरह से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और अब किस तरह दलित कार्ड यहां मायावती ने खेलकर इन्हें टक्कर देने की पूरी प्लानिंग की है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव को उन्हीं के घर में खेलने के लिए सबसे बड़ा दाव खेला है। आपको बता दें, इन दोनों सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को मायावती ने टिकट दिया है और उन्हें टिकट देकर ये संदेश दे दिया है कि उनका सबसे ज्यादा भरोसा आज भी इसी जाति पर है। मायावती का ये दाव कितना कारगर साबित होगा 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आ जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल करहल और जसवंत नगर ये दोनों सीटें सपा की परंपरागत रही हैं। बसपा और सपा की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये गठबंधन टूट गया। इस बार मायावती यूपी में अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर वार कर रही हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर मायावती निशाने कस रही हैं, प्रियंका गांधी को कायर कह रही हैं, तो वहीं मायावती के वार से अखिलेश यादव भी बचे नहीं हैं। मायावती अखिलेश यादव को लगातार वार कर रही हैं और इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर सपा का सालों से कब्जा है। वहीं जसवंत नगर से किसी समय में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद ये सीट शिवपाल के लिए खाली कर दी गई। शिवपाल साल 2017 के चुनाव में यहां से पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। अब ऐसे में बसपा ने पहली बार जसवंत नगर विधानसभा सीट पर एक दलित उम्मीदवार को टिकट दिया है। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2009 में वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। बसपा ने इस चुनाव में अखिलेश के खिलाफ डॉक्टर महेश चंद्र वर्मा को टिकट दिया था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज सीट से लड़ी और बसपा ने उनके सामने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा। साल 2019 का चुनाव आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने लड़ा। इस चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। मायावती ने इस विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर दलित उम्मीदवार उतार कर अखिलेश और शिवपाल को इन्हीं के घर में घेरने की कोशिश की है।
आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति साफ साफ नजर आ रही है। मायावती प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े करती हैं, शिवपाल और अखिलेश यादव को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ती, लेकिन जब बात आई योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मायावती खुलकर बयानबाजी करती हुई कम ही देखी जाती हैं। हालांकि ट्विटर पर वॉर जरूर चल रही है। ट्विटर पर मायावती लिखती हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म और जाति की राजनीति हावी है और मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी रहती हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत के तहत ही सब हो रहा है। वो चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जातीय नफरती रंग देना चाहते हैं। जनता सतर्क रहे। ट्विटर के जरिए जरूर मायावती सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, लेकिन जब बात करें चुनावी मंच की तो यहां से योगी आदित्यनाथ को छोड़कर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधती हुई वो लगातार देखी जा रही हैं।